नमस्कार दोस्तों, जुलाई या फिर अगस्त के महीने में अगर आप चार धाम यात्रा पर जाते हैं तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक जाना चाहिए। यहाँ आप गंगोत्री धाम की स्थिति देख सकते हैं, जहाँ एक ग्लेशियर के फटने से भागीरथी नदी पूरे उफान पर आ गई है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि नदी किनारे बना हुआ शिवानंद आश्रम तक बह गया। वहाँ के लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। अभी तक किसी तरह की जनहानि की खबर तो नहीं आई है, हालांकि खराब मौसम की वजह से लोगों को पहले ही चेतावनी दी गई थी। हालातों को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। लोगों को यहां से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। यहां ग्लेशियर के फटने से नदी का जल स्तर बुरे तरीके से बढ़ गया है। शिवानंद आश्रम के साथ साथ ही शारदा कुटीर नाम का आश्रम भी भागीरथी नदी की तेज धार की वजह से बह गया। भारी बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि पहाड़ों का मलबा हाईवे तक आ गया है। उत्तराखंड में कई जगहों पर आसमानी आफत कहर बरपा रही है। भागीरथी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बारिश के बाद नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ऐसा कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कुदरत ने तबाही मचा रखी है। आसमान से आफत बरस रही है। कहीं नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है तो कहीं पहाड़ से मुसीबत बरस रही है। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और रुद्रप्रयाग, इन सभी जगहों पर नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर जा पहुंचा है। गंगोत्री धाम में जहां सुबह शाम मंदिरों की घंटी और श्लोकों की आवाजें आती थीं, वहां आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जो लोगों को घाट के आसपास से हटने के लिए बोल रहे हैं। भागीरथी नदी का जल स्तर बढ़ जाने से स्नान घाटों के ऊपर तक पानी भर गया है। जहां आरती होती है वो जगह भी पानी में डूब गई है। कई मकान और आश्रम बाढ़ की वजह से पानी की चपेट में आ गए हैं। कुछ ऐसा ही होता है जब कुदरत अपना कहर बरपाने लगती है। मनुष्य के सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को रास्ते में ही रोक दिया था। हाईवे बंद होने की वजह से कांवड़िए और तीर्थयात्री जगह जगह फंसे रहे। दोस्तों, यही कारण है जिसकी वजह से मॉनसून में तीर्थयात्रियों को चार धाम पर जाने से बचने की सलाह दी जाती है। क्योंकि भले ही आप अपनी तरफ से जितनी चाहें उतनी तैयारियां कर लीजिए, लेकिन कुछ चीज़ों पर इंसान का बस नहीं होता, और उन्हीं में से एक है मौसम। आसमानी कहर कब बरस जाए ये कोई नहीं बोल सकता।